गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साल्ट। साल्ट के बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये आपको देखनी है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर साल्ट। साल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और उस साल्ट का जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं, उस साल्ट से पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। साल्ट के पहले के लेक्चर में आपको बताया गया था, एसिड्स की बात जो की गई थी, एसिड्स किनको बोल रहे थे हमने, जो एच प्लस आयंस देते हैं, एसिड किसको बोल रहे थे, सोरीन टेस्ट, जिन जो सोर टेस्ट लेते थे उनको हम बोलते थे। इट विल गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3+O आयन्स भी देते थे ये। इनकी अगर हम बात करें तो इनका पीएच वैल्यू इज लेस देन, पीएच वैल्यू लेस देन सेवन का मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमने पैरामीटर्स बनाए हुए थे, एक सेवन के और इधर से इधर की तरफ आते थे, तो मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ मिल रही थी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज मिल रही थी। इधर की तरफ हम जा रहे थे तो बेसिक स्ट्रेंथ मिल रही थी। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब अल्कलाइन टेस्ट का मतलब ये था कि जो बेसिक को हम बोले थे, तो एसिड मतलब सेवन से बिलो का जो पीएच वैल्यू रख रहा था उसको तो हम एसिड बोल रहे थे, पीएच के सेवन से अबव जो होते थे उनको हम एसिड्स बोलते थे, बेसिक बोलते थे, और सेवन का पीएच जो था उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते थे। दिस इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ये वाटर की पीएच वैल्यू थी। तो इससे पहले अच्छा इंडिकेटर्स आपको बताया गया था, इंडिकेटर्स कौन से थे, इंडिकेटर में क्या क्या था, हम आपको रिपीट कर रहे हैं फटाफट। इंडिकेटर्स जिनको बोला गया था, ऐसे सब्सटेंस थे जो किसी भी एसिड या बेसिक मीडियम को क्या कर रहे थे, डिटरमाइन करने में हेल्पफुल थे, तो उनको हम इंडिकेटर बोलते थे। इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको नेचुरल इंडिकेटर बताया गया था। नेचुरल इंडिकेटर्स जो बताए गए थे वो आपको, एक तो नेचुरल इंडिकेटर था आपका, और नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले नाम था टर्मरिक का, उसके बाद का नाम जो था वो लाइकेन का था, और इधर जब हम सिंथेटिक इंडिकेटर के पास चले थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में भी आपको बताए गए थे बहुत सारे, जैसे क्या था, एक तो मेथाइल ऑरेंज के बारे में बताया गया था आपको, और दूसरा बताया गया था आपको फिनोफ्थेलिन के बारे में भी बताया गया था आपको। ये सारी चीज़ें आपको विद मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इस कलर किससे डिटरमाइन किया गया था, ये सारी चीज़ें तो हम पिछले लेक्चर में क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। बट टुडे आज का जो टॉपिक है मेरा वो है साल्ट। साल्ट का सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखनी है वो साल्ट के बारे में देखना है। साल्ट अगर बनाना तो आपको कुछ चाहिए कि एसिड चाहिए, क्या चाहिए, एसिड चाहिए, साथ में आपको लेना है बेस, क्या लेना है, बेस लेना है, एक एसिड हो और एक बेस हो। अगर ये दोनों हों, एसिड और बेस मिलेंगे तो ये फॉर्म करेंगे क्या, एसिड और बेस दोनों फॉर्म करेंगे साल्ट, क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट। एसिड और बेस मिलके फॉर्म करेंगे क्या, साल्ट। अगर सिंपली फॉर्म में देखोगे तब भी एसिड को क्लासिफाइड करते हैं, बट अभी एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताएं तो एसिड हमने ले लिया, यहाँ पे HCl ले लिया, साथ में एक बेस ले लिया हमने NaOH ले लिया, तो एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड हमने ले लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, और जो बेस लिया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। अब क्या करना था मेरे को, एक एसिड ये मिला, एक बेस ये मिल गया, अब मेरे को साल्ट फॉर्मेशन होगा। इसमें कैटायंस और एनायंस आप समझ लो सबसे पहले, तो इसमें H+ जो है वो कैटायंस है और Cl का जो माइनस है वो क्या है, एनायंस है। इसके पास चलो Na के ऊपर प्लस का और ये नेगेटिव का, तो ये कैटायंस का वर्क प्ले करेगा एनायंस का, इसका कैटायंस इसके एनायंस से जाएगा, इसका एनायंस इसके कैटायंस से जाएगा, तो जो मेरा साल्ट फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। ये देखिएगा यहाँ पे जो एक साल्ट मिला मेरे को उसका नाम क्या हुआ, NaCl, साथ में कुछ वाटर भी रिलीज करेंगे, यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा, ये देखिएगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। तो हमने HCl लिया, NaOH लिया, और ये मिलके यहाँ पे बनाया मेरा सोडियम क्लोराइड, क्या बनाया स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बना। इसी को हम बोलते हैं कॉमन साल्ट भी इसको बोलते हैं। तो साल्ट का फॉर्मेशन, हाउ कैन यू प्रिपेयर साल्ट When acids or base are react with the same
अमाउंट विद द सेम कंपोजिशन देन इट विल प्रोड्यूस साल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ द वाटर, कुछ अमाउंट वाटर की भी मिलेगी और साथ में हमारा सॉल्ट जो मिलेगा उसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, हायर होगी एज कम्पेयर टू वाटर। हमेशा ध्यान रखेंगे कि साल्ट और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और अमाउंट जो होगा वो साल्ट का हायर होगा यानी कि ज़्यादा होगा किसी कंपेयर में वाटर के कंपेयर में। तो ये तो था आपका साल्ट, एसिड और बेस मिलकर साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बात आती है कि एसिड्स के टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ एसिड। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक तो पहला है न्यूट्रल एसिड, पहला टाइप है इसका न्यूट्रल एसिड, और दूसरा टाइप जो है वो एसिडिक बेस, न्यूट्रल साल्ट है, और दूसरा है एसिडिक साल्ट है, और तीसरा जो है वो है बेसिक साल्ट है। तो पहला साल्ट जो है न्यूट्रल साल्ट है। अब न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रूव दिस थ्री कंपाउंड्स हमने आपको दिए, थ्री कंटेनर्स दे दिया आपको, ये देखिए इसके अंदर हमने किसी में ए बी और सी दे दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है। ए बी और सी तीन कंटेनर दिए हमने, और हमने बताया कि हमारा जो साल्ट का टाइप है वो न्यूट्रल भी होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। तो अब सवाल ये खड़ा है कि हमें ये नहीं पता कौन इसमें एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल साल्ट है, बट इसकी डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है, करना क्या है कि इन सब का मुझे पीएच वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर पीएच वैल्यू चेक करने के बाद में अगर मेरे को इसका पीएच जो मिला, ये जो पीएच मिला वो 7 मिल गया, क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो अगर पीएच 7 मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट बोल देंगे। और अगर पीएच 7 से बिलो है, लेस देन 7 होगा, पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 होगी तो वो सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। बिकॉज आप जानते हो कि एसिड्स जो होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होता है। इफ द गिवन कंपाउंड्स हैविंग द लेस देन 7 पीएच वैल्यू देन वी कैन से दिस इज द एसिडिक सॉल्ट। सबसे पहला सीन हुआ, दिस इज एसिडिक सॉल्ट, व्हिच क्लास, क्लास 10, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। बट हाउ कैन डिटरमाइन दिस गिवन कंपाउंड इज बेसिक सॉल्ट, एज यू नो बेसिक सॉल्ट्स पीएच वैल्यू इज हायर देन 7। अगर कंपाउंड्स की वैल्यू पीएच की 7 से ग्रेटर हो रही है तो बेसिक हो गई, लेस हो रही है 7 से तो एसिडिक हो गई, और न्यूट्रल पॉइंट यानी कि 7 पे है तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। तो ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है। अब इनको प्रिपेयर कैसे करोगे, ये सवाल खड़ा है। सबसे पहला काम इसको देखेंगे हम लोग, न्यूट्रल साल्ट प्रिपरेशन इसका, न्यूट्रल साल्ट का बेसिक प्रिपरेशन जानोगे आप अभी कुछ सिलेबस के बाद। प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रल साल्ट का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, तो इसमें करना कुछ नहीं है। हमने आपको जब एसिड, बेस और साल्ट का चैप्टर शुरू किया है तो एसिडिक चैप्टर में और एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये बताया था कि सम ऑफ एसिड्स और एसिडिक और सम ऑफ बेसिक। तो इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले होंगे, ये जितने भी एसिड हार्ड एसिड्स होंगे उस हार्ड एसिड्स को आपको लेना है यहाँ पे। तो एक तो लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड लेनी है आपको, और दूसरा आपको लेना है स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो आपको सॉल्ट मिलने वाला है वो आपको न्यूट्रल साल्ट मिलने वाला है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप कुछ भी ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, CH3 भी आपको बताया गया, और स्ट्रॉन्ग बेस आपको NaOH KOH बताया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आपको न्यूट्रल साल्ट की प्रिपरेशन का, और न्यूट्रल साल्ट तभी प्रिपेयर होगा जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब HCl में H+ तो है कैटायन, Cl- है एनायंस, इसमें Na+ है कैटायंस और OH- है एनायंस। हमेशा जो सेकेंड दोनों रिएक्टेंट होते हैं उसमें अल्टरनेट चलता है कैटायंस टू रिएक्ट एनायंस। अब इसमें क्या करना है आपको, H की रिएक्शन से इसका कैटायंस H+ है, इसका एनायंस OH- है, और इसका एनायंस Cl है, इसका कैटायन Na है। तो यहाँ पर जो साल्ट बनने वाला है वो NaCl बनने वाला है, और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, H2O। तो ये जो साल्ट बना ये साल्ट न्यूट्रल साल्ट होगा। वाई
व्हाई NaCl इज ए न्यूट्रल साल्ट, व्हाई न्यूट्रल साल्ट, बिकॉज़ इट्स पीएच वैल्यू इज 7, फिक्स पीएच वैल्यू है 7, इसकी पीएच वैल्यू जो आ रही है वो 7 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साल्ट है वो हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है। तो न्यूट्रल साल्ट आप बनाओगे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से न्यूट्रल साल्ट बनाओगे। उसके बाद आती है बात आपके प्रिपरेशन, प्रिपरेशन किसकी, एसिडिक साल्ट की, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो एसिडिक साल्ट की प्रिपरेशन स्ट्रांग एसिड और वीक बेस, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। अब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपको यहां पर मिलेगा, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, इसका प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक साल्ट, हां पीएच वैल्यू एसिडिक साल्ट की होगी लेस देन 7 होगी, क्या होगी लेस देन 7 होगी। इसका जो एग्जांपल आपको मिलेगा वो एग्जांपल है इसका NH4Cl, और इसका एक एग्जांपल और भी है क्या, NH4Cl के बाद NH4NO3, ये साल्ट है दोनों जो हम बोल रहे हैं क्या एसिडिक साल्ट है, बिकॉज इनका पीएच वैल्यू 7 से कम है। बट सवाल ये है कि NH4Cl प्रिपेयर कैसे हुआ होगा, या अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, नेम नोट करेंगे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट कैसे प्रिपेयर होगा, या ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, ये सब प्रिपेयर कैसे हुआ होगा। तो अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, NH4Cl की बात करें, तो क्या क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेनी है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, एक तो लेना चलिए देखते हैं HCl ले लेता हूँ, और वीक बेस, वीक बेस में NH4OH ले लो, NH4OH ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वीक बेस है ये, तो क्या बना, ये साल्ट बना नहीं NH4Cl, ये NH4Cl बना ना, यही बनेगा ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं एसिडिक साल्ट बोल रहे हैं। तो ये इसी तरह से बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया होगा वीक बेस की तरह, और HCl आया होगा एसिडिक साल्ट की तरह, हार्ड एसिड की तरह आया होगा, तो ये क्या बनाया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह आया होगा, ये वीक बेस की तरह आया होगा, और इसमें बनाया होगा NH4Cl, और साथ में क्या निकल रहा होगा आपका H2O, H प्लस और OH माइनस H2O बना रहेगा। अमोनियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, अमोनियम नाइट्रेट बना होगा इसके लिए भी एसिड चाहिए, तो यहाँ पे लेना है आपको HNO3, इस बार बेस लेना है मेरे को HNO3, और साथ में जो एसिड लेनी है मेरे को बेस लेना है वो लेना है NH4OH लेना है। तो इस टाइम पे भी यहाँ पर टेंशन की बातें हुई है कि अब बनाया होगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये देखिएगा कि ये बनाया NH4NO3 बना लिया, साथ में क्या निकल गया फिर से वाटर निकल गया। तो ये आप क्या प्रिपरेशन ऐसे आप कर सकते हो, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एसिडिक साल्ट कैसे बना रहे हो, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेने हैं, वीक बेस हमने बता रखे हैं KOH NaOH, इसके अलावा जितने भी बेस हैं वो सारे के सारे वीक ही हैं, तो उनके अलावा जिनके पास में OH आयंस होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। तो ऐसे कोई कंपाउंड उठाओ जिनके पास OH हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करने की टेंडेंसी हो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उनको वीक बेस बोलो, और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बताया गया था 3 ही HCl, H2SO4 और HNO3, इनके अलावा सारे के सारे एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड्स हैं, तो इनका रिएक्शन करा के आप इजीली एसिडिक साल्ट, इनका पीएच वैल्यू सबका, इसका पीएच वैल्यू कितना है लेस देन 7, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है लेस देन 7 है, तभी तो हम इनको एसिडिक साल्ट बोलेंगे, क्योंकि एसिड उसको बोलते हैं जो 7 से नीचे हो। इसके बाद आता है आपका बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। अब बेसिक साल्ट की बात अगर करोगे तो बेसिक साल्ट के लिए क्या लेना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेनी है आपको। तो आप क्या बना पाओगे, बेसिक साल्ट बनाओगे, क्या बनाओगे आप बेसिक साल्ट बना दोगे आप। अब देखना क्या है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, बहुत अच्छे, इसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल इसका क्या है, पहला एग्जांपल आपका सोडियम एसिड है, C double O N is called basic salt। अब देखिए मैं बेसिक सॉल्ट क्या है, तो ये C3CO कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया होगा। अब बेस आपको कंपाउंड को चेक करके देखना पड़ेगा, तो बेस में आप ले लो क्या, स्ट्रॉन्ग बेस में आप ले लो NaOH,
एनी वे इसको आपने लिया रिएक्ट विद द वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड में क्या लेते हो CH3COOH ले लो, CH3COOH दिस इज वीक एसिड, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब देखना क्या है आपको इसमें कैटायंस एनायंस अगर आप फाइंड आउट करते हो तो Na के पास में प्लस का साइन है और ये वर्क प्ले करेगा कैटायंस की तरह और OH के पास में नेगेटिव का साइन है क्योंकि OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इसको हम बेस बोल देते हैं। चलो इसके पास चलते हैं, इसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं और ऑर्गेनिक एसिड में भी इसका एक नाम और बताया गया था आपको विनेगर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विनेगर, विनेगर जो वो चाउमीन और सब यूज करते हैं जिसको हिंदी बोलते हैं हम लोग क्या सिरका। सिरका इसके पास में चलोगे अगर आप तो इसके पास में CH3COOH नेगेटिव एंड एसिडेट आयन है और एसिड का साइन कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होती है एक्वस सॉल्यूशन में, इसी के इसको एसिड बोल दिया गया। अब अगर आपने देखा तो इसका ये एनायंस है, इसके कैटायंस के पास से आएगा तो OH और H मिलकर क्या बना रहे वाटर, बहुत अच्छा। और ये इसका एनायंस है, हाँ कैटायंस है, ये कैटायंस किसके साथ जा रहा है, ये कैटायंस जा रहा है किसके साथ में जाएगा, ये एसिडेट नेगेटिव आयन ये देख रखा है, ये प्लस इस माइनस के साथ और ये माइनस इस प्लस के साथ, तो बना जो आएगा वो क्या बना वो जरा ठीक से देखिए, यहाँ पे बनेगा CH3COOH इसके साथ और ये Na, ये बनाएगा आपका CH3COOH साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ रिलीज कर देगा ये, तो यहाँ पर तो आपका बनेगा सोडियम एसिटेट, दिस इज सोडियम एसिटेट, दिस इज सोडियम एसिटेट एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये था आपका साल्ट के बारे में कुछ बात चल रही, जो हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है, साल्ट कितने टाइप का, साल्ट की जो पीएच वैल्यू है थ्री टाइप से, बिकॉज ये साल्ट भी थ्री टाइप का है, वो एक एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, एसिक साल्ट उसको बोलते हैं एसिडिक साल्ट जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन सेवन हो, न्यूट्रल साल्ट उसको बोलते हैं जिनकी पीएच वैल्यू सेवन हो, और बेसिक साल्ट उनको बोलते हैं जिनका पीएच वैल्यू सेवन से ज़्यादा हो, और एसिडिक और बेसिक और एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल साल्ट का प्रिपरेशन भी आपको बता दिया। अब आपको देखना है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट में भी टाइप्स कौन से हैं, NaCl, NaCl एक साल्ट है और इसका नेम जो है, इसका नेम क्या है, इसका एक तो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन साल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट भी इसको बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम अगर देखेंगे हम सीएन में देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमन साल्ट बोल दिए हैं। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, NaCl है ही, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं हम लोग तो Na और इस तरह से Cl इसके साथ में इसे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू एक प्लस और एक माइनस साइन साथ। और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं हम लोग तो मॉलिक्यूलर वेट Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है आपका 35.5, तो टोटल का कैलकुलेट करेंगे 58.5 आता है इसका वेट। अब इसकी हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, कॉमन सॉल्ट में प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको सबसे सही देगा आता ही एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड ध्यान रखेंगे आपको। तो इसका ऑकरेंस क्या है उससे पहले देखिएगा, ऑकरेंस 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 में आप सबसे पहले देखोगे इसका सी वाटर है, क्या है सी वाटर है, कहाँ पाया जाता है ये ऑकरेंस का मतलब कहाँ पाया जाता है, सी वाटर्स में भी ये कॉमन सॉल्ट आपको मिलता है, वहाँ की जो सॉल्ट वहाँ का जो वाटर होता है उसको हम पहले एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं और वेपराइज होकर के जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसके साथ में निकल जाती है, वेपर्स फॉर्म में वाटर चला गया, साल्ट मेरा नीचे बैठ गया, उस साल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको हम बॉइलिंग बॉयल करते हैं तो धीरे धीरे इम्प्योरिटीज बॉयल के फॉर्म में निकलते हैं, लेकिन साल्ट मेरा नीचे बैठा रहता है और साल्ट के बिलो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी पर हम उसको हीट करते हैं। बट इसका प्रिपरेशन हम केमिकली कैसे करेंगे, सिंथेसाइज कैसे करेंगे इसको, सिंथेसाइज कैसे करेंगे इसको वो ज़रा चेक करिएगा, क्योंकि सिंथेसाइज इसको करने के पीछे है आप ले लो इसमें एसिड HCl ले और साथ में एक ले लो बेस NaOH ले लो, तो ये Cl इस Na के साथ जाकर क्या बना रहा है, NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है NaCl साथ में बन रही है H2O, वेन वन मोल्स ऑफ HCl, वन मोल्स ऑफ HCl एंड वन मोल्स ऑफ NaOH then one moles of sodium chloride। तो इतना आप चेक करिएगा, अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट पे। थैंक यू।